सिंगल का रूम है मेरा, सिंगल के रूम के 8,000 है, बाकी डबल या ट्रिपल के 7 भी हैं, 6.5 भी हैं। तो मिला के कितना हो जाता है? लगभग 7.5। आप खाना खुद बनाते हैं या फिर नहीं, भाई नहीं, पीजी में मिलता है? तो आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर किसी कोचिंग से आप ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो सेल्फ स्टडी चल रही है, मैंने ऑनलाइन क्लासेज ले रखी है राकेश यादव सर की। पीजी में मिलता है खाना बना हुआ? कितनी बार मिलता है? 3 times। मैथ के देने पड़े थे 9,000 स्पेशल, मैथ स्पेशल ओनली, इंग्लिश के 10,000। नमस्कार, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम दिवाकर। हम मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं। आपके नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, क्या नाम है भाई आपका? रोहित यादव। आपका नाम क्या है भैया? सुमित पाल। सुमित पाल, आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में किस चीज की तैयारी करते हैं? SSC CGL। आप भैया? SSC CGL दोनों भाई। हाँ जी। आप मुखर्जी नगर में कहाँ से आए हुए हैं? राजस्थान, जयपुर। आप? मेरठ से। ये भाई राजस्थान से आए हुए हैं और ये मेरठ से आए हुए हैं। आपको ऐसा क्यों लगा भाई ये बताइए, आपको राजस्थान से यहाँ पे मुखर्जी नगर में क्यों आना पड़ा? क्यों ऐसा लगा कि मुझे मुखर्जी नगर में ही जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे टीचर फैसिलिटी बढ़िया है एज कम्पेयर टू राजस्थान, और जो यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं वो वहाँ पे प्रोजेक्टर पे चलती हैं, तो फिर लाइव पढ़ने का मन था, माहौल था, फैसिलिटी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पढ़ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरठ से आपको मुखर्जी नगर में जाना? मुखर्जी नगर में पढ़ाई का ज्यादा माहौल है हमारे मेरठ के मुकाबले, इसलिए मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाई करने का ज्यादा कोशिश की। तो मुखर्जी नगर में जब आप आए, कब आए थे आप? मैं आया था भाई कम से कम हो गए 6-7 months। 6-7 महीने हो गए? हाँ, ज्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं हुए। लगभग 1 साल होने वाला है आपका भाई? मुझे भी लगभग, मैं बीच में चला गया था मम्मी की डेथ से, लेकिन मैं अब दोबारा से कल आया हूँ, लगभग 1 साल हो गया मुझे भी। तो जब आप 6-7 महीने पहले आए, यानी कि लॉकडाउन में आए थे या फिर लॉकडाउन से पहले आए थे, लेकिन आए तब लॉकडाउन हो गया था। जब आप आए तब लॉकडाउन हो गया था। जब आप लॉकडाउन से पहले आए तब आपको यहाँ पे माहौल कैसा नजर आता था और अब कैसा है? एज कम्पेयर टू जो अब है ना, ज्यादा था, ज्यादा स्टूडेंट थे, अब स्टूडेंट थोड़े कम है, लेकिन अब आने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है भाई अब कैसा माहौल है? अभी तो माहौल थोड़ा, मतलब कि बच्चे भी कम है, कोचिंग सेंटरों में भी ऑनलाइन क्लास चल रही, वैसे नहीं चल रही। क्या यहाँ पे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं क्या मुखर्जी नगर में कोचिंग खुल गए? 16 दिसंबर से पहला बैच है क्रिस्टोफर सर का, शायद तब से खुलना शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है? जल्दी खुलने वाले हैं, फिक्स तो मैं नहीं बता सकता कब तक, लेकिन खुलने वाले हैं जल्दी। क्योंकि जो बच्चे बिहार से कोई देख रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, तो वो बच्चे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कोचिंग अभी खुल गया है इस समय? अभी तो नहीं खुले भाई, लेकिन वही बता रहा मैं, 16 दिसंबर वाला पहला है, उसके बाद लग रहे जनवरी से खुल जाएंगे। आप मुखर्जी नगर में ही रहते हैं या मुखर्जी नगर के आसपास? यहीं रहते हैं भाई, मुखर्जी नगर में। तो मुखर्जी नगर का आपको अपने रूम का कितना एक महीने का जो खर्चा है, पैसे हैं, देने पड़ते हैं? 8,000 वीरे पीजी का। आपके पीजी का? आप अकेले रहते हैं? सिंगल का रूम है मेरा, सिंगल के रूम के 8,000 है, बाकी डबल या ट्रिपल के 7 भी है, 6.5 भी है, 7.5। खाना वगैरह है उसमें आप खुद बनाते हैं खाना या फिर? पीजी में मिलता है खाना बना हुआ। कितनी बार मिलता है आपको? 3 times मॉर्निंग। हाँ, अच्छा होता है। आपका भाई कितना जाता है एक महीने का? मेरा 7,000 बिजली का बिल अलग से। आप यहीं रहते हैं और कहीं? नहीं, मुखर्जी नगर ही रहता हूँ, 271। तो आपको बिजली का अलग से देना पड़ता है? हाँ जी। तो मिला के कितना हो जाता है? लगभग 7.5। आप खाना खुद बनाते हैं या फिर? नहीं, भाई नहीं, पीजी में मिलता है। तो आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर किसी कोचिंग से आप ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो सेल्फ स्टडी चल रही है, मैंने ऑनलाइन क्लासेज ले रखी है राकेश यादव सर की। आपने जब आप आई थी तो आपने कौन से कोचिंग से क्लास ली थी? मैंने मैथ लिया था राकेश यादव सर, इंग्लिश क्रिस्टोफर सर, बस दो ही क्लासेस ली, मैंने जीएस वगैरह की नहीं ली। जब आपको कितने पैसे देने पड़े थे उस क्लास के लिए? मैथ के देने पड़े थे 9,000 स्पेशल, मैथ स्पेशल ओनली, इंग्लिश के 10,000। और कुछ बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं कि मुखर्जी नगर में अभी बहुत ज्यादा खतरा है, जैसा कि अभी न्यूज में बताया गया था तो लोगों ने देख लिया, कह रहे हैं दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना है, दोबारा से शुरू हो गया, तो क्या अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है? भाई हमको तो लगा नहीं कोई भी खतरा, हमने तो आज तक मास्क भी यूज नहीं करा, वो तो अभी मास्क ये बोलने लग गए, इस वजह से हमने अब तक कोरोना महसूस ही नहीं किया, कोरोना है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बेफालतू की अफवाह मानो एक तरीके से। दोनों भाई हमें यहाँ मिले थे, बैठे हुए थे, SSC की तैयारी कर रहे हैं, हमने इनसे बात की है। दोनों भाई के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी ही सरकारी नौकरी दोनों भाइयों की लग जाए, और हम इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।